वॉट इज़ हैरेसमेंट? ये हैरेसमेंट क्या चीज़ है? हैरेसमेंट वो अमल है जिसमें हम अपने कॉन्सेंट के बगैर किसी भी मनफी अमल का हिस्सा बनते हैं और उसका शिकार होते हैं। लेकिन इस हैरेसमेंट का शिकार सिर्फ हम ख़वातीन नहीं हैं, इस मुआशरे का हर तबका है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर्स हैं और जिसमें किसी हद तक मर्द हजरात भी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस हैरेसमेंट की वजह क्या है? आए दिन हम हैरेसमेंट के केसेस के बारे में सुनते रहते हैं। कुछ लोग इस पर एहतजाज करते हैं, कुछ लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझते हैं, कुछ लोग इस पर चुप रहते हैं, कुछ लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग दो आंसू बहा के चुप रहते हैं। आखिर कब तक? कब तक हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? फेसबुक के कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के साथ बहस करते रहेंगे, एक दूसरे पर उंगलियां उठाते रहेंगे? आखिर कब तक? आज हम इस फोरम पे और इस टाइम पे यही सोच रहे हैं और इसी नज़रिए को उजागर कर रहे हैं कि हैरेसमेंट का शिकार नज़र आता है, शिकारी नज़र आता है, लेकिन उसकी वजह नज़र नहीं आती। आखिर क्यों हमने हैरेसमेंट को सिर्फ औरतों तक या बच्चों तक या सिर्फ मर्दों तक हमने महदूद किया हुआ है? हैरेसमेंट एक जनरल इशू है, ये 2000 साल पहले भी था, आज भी है और 2000 साल बाद भी शायद होगा। क्या हर बच्चा पैदा होते ही हैरेसर है? यकीन नहीं है। तो आखिर वो कौन से अवामल हैं जो उसकी तरबियती अमल में कहीं पर चूक गए, कहीं पर उसके साथ गलत अमल हुए, कहीं पर गलत सोच का परवान चढ़ गया और वो हैरेसर है? ये कैंपेन फोकस करेगी उस माइंडसेट पे, उस प्रोग्रामिंग पे जो कि एक बच्चे को उसकी माँ की गोद से मिलती है। हम ना सिर्फ माओं और पेरेंटिंग और तरबियत को डिस्कस करेंगे बल्कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में ये चीज़ किस तरह से एक इंसान के रवैयों को और हैबिट्स को, वर्क को इफेक्ट करती है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे साथ होंगे मुख्तलिफ पेशों के एक्सपर्ट जो मिल बैठ कर निकालेंगे इस मसले का हल। अगर आप भी इसमें हमारी मदद करना चाहते हैं या हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट करें। अब बस अब बस अब बस।